हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे संत बालानंदाचार्य के बारे में। मित्रों, बालानंदाचार्य जी जो है उन्होंने साधुओं को एक सुदृढ़ सैन्य संगठन के रूप में खड़ा किया। बालानंदाचार्य जी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने साधुओं का एक लश्कर बनाया और जो व्यक्ति धर्म को हानि पहुंचाते थे उन्हें ये अपराध स्वीकार कराकर और उनसे क्षमा मंगवाते थे। मित्रों, क्षमा करने के लिए जब ये उन्हें क्षमा कर देते थे तो उन्हें चरण पादुकाएं देते थे। इसीलिए मित्रों इनके लिए प्रसिद्ध है कि इनके एक हाथ में चरण पादुकाएं और दूजे में तलवार रहती थी। मित्रों, पालानंद जी के सैन्य दल ने कई युद्धों में भाग लिया और आज भी संतों की लश्करी संतों के नाम से इनके संप्रदाय को जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लश्करी संतों के नाम से इनके संप्रदाय को जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने संतों का एक लश्कर बनाया, सुदृढ़ सैन्य संगठन खड़ा किया। बालानंद जी का जन्म जो है वो फ्रेंड्स 1635 ईस्वी में गढ़ मुक्तेश्वर में हुआ। इस इनके बचपन का जो नाम था मित्रों वो बलवंत शर्मा था। क्या नाम था? बलवंत शर्मा। और किशोर अवस्था में इन्होंने अपने गुरु जिनका नाम था विराजानंद से लश्कर में रहकर सैन्य गतिविधियां सीखी। प्रारंभ से ही मित्रों बालानंद जी का धर्म में अटूट आस्था थी। इन्होंने वर्षों तीर्थ स्थलों का भ्रमण किया और भ्रमण करते करते ये राजस्थान आए। मित्रों, राजस्थान आकर अपने गुरु के आदेश पर उन्होंने लोहारगल तीर्थ में माल केतु पर्वत पर हनुमान जी की आराधना की। आराधना करने के कारण मित्रों लोग जो हैं वो इनकी ख्याति जो है मानने लगे। इस क्षेत्र में इनकी ख्याति फैल गई और जनता जो है अपने दुख दर्द लेकर इनके निवारण के लिए इनके पास आने लगी। मित्रों, यहाँ इन्होंने श्री रघुनाथ जी का एक बड़ा मंदिर भी बनवाया लोहारगल में। और बालानंदाचार्य जी ने मित्रों 1617 में दीक्षा ली। उन्होंने 1672 में लश्कर की जो चतुर्थ इस संप्रदाय की जो चतुर्थ बैठक में थी उसमें लश्करी संगठन के लिए शर्तें तय करवाई। मित्रों, ये जो फैक्ट है कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे की जो बातें हैं मित्रों वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हमारे राजस्थान के इतिहास से संबंधित है। सो बालानंद जी ने मित्रों 1675 में हरिद्वार के संतों का जो धार्मिक विद्रोह था, 1675 में मित्रों हरिद्वार की धार्मिक जो विद्रोह हुआ था साधु संतों का, उसमें सैनिक साधुओं का नेतृत्व किया। तेजस्विता के कारण इन्होंने मेवाड़ के महाराणा, बूंदी के छत्रसाल, जोधपुर के वीर दुर्गादास और जयपुर के राजा जय सिंह से घनिष्ठ संबंध थे। तो मित्रों प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन से संत थे जिनके मेवाड़ के साथ, बूंदी के साथ और जयपुर के साथ घनिष्ठ संबंध थे? तो वो कौन थे मित्रों? बालानंदाचार्य जी। मित्रों, कहा जाता है कि जब औरंगजेब के समय में उन्होंने बल्लभ व माधव गौड़ संप्रदाय की देव मूर्तियों को नाथ द्वारा कांकरोली, जयपुर, कामा व कोटा पहुंचाया, यानी कि इन्होंने हिंदू मंदिरों को बचाने में भी सहयोग किया। इस कार्य में गुरु विराजानंद जी ने भी सैन्य लश्कर की भूमिका जो है वो महत्वपूर्ण रही, यानी कि इन्होंने संतों के रूप में भी सैनिक शक्ति के बल पर हिंदुओं का जो धर्म था मित्रों उसको बचाने का पूर्ण प्रयास किया और बचाया भी। धन्यवाद मित्रों, बालानंद जी के बारे में इतना ही। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।